उनसे ऐसे शब्द निकलते हैं, आपने सिर्फ राजस्थान की माताओं बहनों का ही अपमान नहीं किया, आपने राजस्थान के मर्दों का भी अपमान किया है। राजस्थान के मर्द माता बहन की इज्जत के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार होने वाले लोग होते हैं। उनकी मर्दानगी माता बहनों की रक्षा के लिए समर्पित होती है। और तुम्हारे मंत्री सबके बीच बेशर्मी से ऐसी भाषा का प्रयोग करें। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये कांग्रेस की यही असली सोच है और इसलिए कांग्रेस के राज में बहनों बेटियों की इतनी बुरी गत बन गई है। अभी उदयपुर में ही कुछ दिन पहले ही दो बहनों की निर्मम हत्या की गई थी। इसके बाद यहां की एक और बेटी कांग्रेस के राज में अत्याचार की भेंट चढ़ गई है। अपनी गाय बकरियां चराकर पेट भरने वाली मेरी आदिवासी बहन की निर्मम हत्या कर दी गई है। ऐसे अपराधी सोच वाले लोगों को कांग्रेस की सरकार में ही बढ़ावा मिला है, उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया मर्दानगी का। इन पापियों को राजस्थान में कानून की स्थिति ये हो गई है कि अब बहन बेटियां अपने काम से खेत खलिहान जाने से भी डरने लगी है। आज राजस्थान में घर से बाहर निकलने के बाद कोई छात्रा सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती? आज राजस्थान की हर बहन बेटी पूछ रही है कि क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मैं राजस्थान की माताओं बहनों बेटियों आपका दर्द समझता हूं। मैं आपका आक्रोश समझता हूं। बहनों बेटियों पर अत्याचार तभी रुकेगा जब यहां से कांग्रेस की विदाई होगी। कांग्रेस की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है कि नहीं है? माताओं बहनों को गौरव से जीने का अधिकार है कि नहीं है? राजस्थान से भाजपा गुंडा राज और अपराध पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा राजस्थान की हर बेटी हर बहू को ये विश्वास दिलाती है कि उसे सम्मान से जीने और सुरक्षित माहौल में घर से निडर होकर निकलने का अवसर मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद किए हैं। 5 साल तक
राजस्थान की सरकार इसी में उलझी रही कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, कुर्सी कौन खींच लेगा, अब कुर्सी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये कुर्सी की इस लड़ाई में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने राजस्थान के गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए कुछ नहीं किया, वो कुर्सी के लिए लड़ते रहे। और अब चुनाव आए हैं तो पहले वो झूठे वादों का झुंझुना लेकर आदतन मैदान में आ गई है। लेकिन राजस्थान के लोग उनके वादों की सच्चाई जानते हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस को चुनाव जीतने का अवसर मिला है, वहां कैसे उनके हर वायदे झूठे साबित हो रहे हैं, उसे हम सब देख रहे हैं। सौगंध लेना मेवाड़ का संस्कार है, लेकिन मेवाड़ सौगंध को जीतना जानता है, सौगंध के लिए मरना जानता है। मेवाड़ किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार 5 साल से जनता को धोखा ही दे रही है। कांग्रेस की हर योजना में एक धोखा जरूर होता है। कांग्रेस ने मिडिल क्लास को राहत देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड टैक्स वसूल कर रही है। मध्य प्रदेश से यहां पेट्रोल महंगा है, गुजरात से यहां पेट्रोल महंगा है, गोवा से यहां पेट्रोल महंगा है, अरे उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से भी राजस्थान में महंगा है। कांग्रेस ने राजस्थान में गरीबों को राशन देने का वादा किया, लेकिन यहां की सरकार बच्चों का राशन तक खा गई, बच्चों का राशन खा गई। कांग्रेस ने यहां बिजली बिल में सब्सिडी देने का वादा किया था,